हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एनर्जी मीटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें आपको 2 to 3 क्वेश्चन आपके देखे गए हैं एसएससी जेई के प्री में, राइट। तो इसको भी हम आराम से समझेंगे। काफी छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि नाम है एनर्जी मीटर, है ना, तो एनर्जी मीटर के बारे में आपको पहला सबसे चीज क्या पता होना चाहिए कि एनर्जी मीटर जो होता है, एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो कितने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। ये चीज हम पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एरर एनालिसिस जब किए थे तब हमने इसको डिटेलिंग में समझा था कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी में कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और इंडिकेटिंग, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो ये आपका एसएससी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन 2 बार देखने को मिला है कि एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्या चूज करना है, एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, आप याद कीजिए थोड़ा सा। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने प्रेजेंट वैल्यू को पास्ट वैल्यू के साथ एड करते जाता है। मतलब कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ पहले से वैल्यूज हैं और आपने कुछ रीडिंग ली, उस अभी की रीडिंग को आप पास्ट वैल्यू के साथ मेजर एड कर देंगे, और फिर जो नेक्स्ट रीडिंग लेंगे उसको भी फिर टोटल रीडिंग के साथ ऐड करते जाएंगे। मतलब कि एग्जिस्टिंग रीडिंग्स को आप पास्ट रीडिंग्स के साथ ऐड करते जाएंगे और ओवरऑल आप सम लेंगे सबका। तो जैसे कि मान लो आपने एनर्जी मीटर को यूज किया, तो एनर्जी मीटर आपको यूज किस लिए होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन के लिए। मतलब कि अगर आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसको मेजर करने के लिए हम एनर्जी मीटर लेते हैं। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट, कि एनर्जी मीटर आपका एनर्जी को मेजर करता है। अब सपोज करो आपने पहले दिन 50 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की, दूसरे दिन 30 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की, चौथे दिन आपने 20 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की, और ऐसे ही करते करते मैं पूरे हफ्ते का ले सकता हूं। और लास्ट में हफ्ते के एंड में अगर आपके आप रीडिंग में चेक करो कितना हुआ, तो वो क्या करेगा, हर एक दिन का आपका रीडिंग को एड करके पूरा एग्जैक्ट आपको बताएगा कि 7 दिन का आपका कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, राइट। तो हर दिन का मैं ऐड करते जा रहा हूं उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू के साथ, राइट। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड करने वाला चीज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। तो एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग यहीं पर लिख देता हूं मैं, इट मेजर्स द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द सर्किट, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द सर्किट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द सर्किट ये मेजर करता है, ये चीज दिखा दिया, और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितना भी इंस्ट्रूमेंट देखा वो कैसे थे, उनमें एक पॉइंटर था, एक स्केल था, मतलब कि क्या वो एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट थे, है ना, इंडिकेटिंग, ठीक है, इंडिकेटिंग मतलब कि पॉइंटर और स्केल के हेल्प से वो रीडिंग को इंडिकेट कर रहे थे। पर आपका जो एनर्जी मीटर होगा ना, वो आपका कैसा होगा, एक इसमें डिस्क होगा और एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होगा। तो आपका जैसे जैसे डिस्क रोट, जितना आप एनर्जी कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से आपका डिस्क उतने स्पीड से रोटेट करेगा, और कितना रोटेशन किया वो उस हिसाब से आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म उसको रिकॉर्ड करते जाएगा, राइट। तो यहां पे पॉइंटर और स्केल नहीं होंगे, यहां पे क्या होगा, आपका एक डिस्क होगा और यहां पे आपका एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होगा, राइट। तो पिछले इंस्ट्रूमेंट्स में क्या था, पॉइंटर और स्केल थे, यहां पे डिस्क और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, राइट। जितना एनर्जी कंज्यूम करोगे उतने एनर्जी के हिसाब से आपका डिस्क उतने स्पीड से रोटेट करेगा, जितना स्पीड से रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करते आएगा वो, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 आवर या फिर कुछ टाइम में कितना रिवॉल्यूशन किया उसको ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म आपका रिकॉर्ड करते जाएगा, और उसी के हिसाब से पता लगा लेंगे कितना एनर्जी अभी तक कंज्यूम हुआ, इस तरीके से, राइट। तो ये पॉइंट हो गया दूसरा।
थर्ड पॉइंट मैं लिखता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये जो आपका एनर्जी मीटर है ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में की तरह ही काम करता है, राइट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है कि उसमें प्राइमरी जो कि किसको बोलते हैं, मेन या ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स होती है, दो वाइंडिंग्स होती है, दोनों के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट हम 90 डिग्री का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके कारण आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से दो फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसके कारण दो टॉर्क्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण आपका मोटर दोनों के एक्शन से रिवॉल्व करने लग जाता है, राइट। तो आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नॉलेज बहुत अच्छे से होगा, उसी प्रिंसिपल पे ये आपका एनर्जी मीटर काम करेगा, राइट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे। वैसे ही अब ये जो दो पॉइंट हो गए, अब जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी मीटर आपका एनर्जी को मेजर करता है ना। तो एनर्जी क्या चीज होती है यार, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो एनर्जी क्या होता है, तो आपको पता है एनर्जी इज नथिंग बट पावर कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या फिर कितना पावर आप कंज्यूम किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी आपको पता है अच्छे से, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम, पावर इन टू टाइम का इक्वल है एनर्जी। अब देखो इस एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी V ऑफ टी आई ऑफ टी डी टी। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों वेरिंग है तो उनको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, पर अगर दोनों कांस्टेंट है तो इस एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूं, V I T, है ना, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ये क्या है, पावर, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी इज नथिंग बट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया। अब अगर मेरे को इनके यूनिट्स के बारे में बात करना हो तो यूनिट्स के बारे में मैं देख सकता हूं कि ये जो है आपका वोल्टेज, वो तो आपका वोल्टेज वोल्ट, वोल्टेज किसमें होगा, वोल्ट्स में होगा, करंट आपका एम्पियर में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा। तो ये क्या हो रहा है, वोल्ट एम्पियर सेकंड, एनर्जी का यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर सेकंड, एक्चुअल में जूल्स होता है पर अभी हम ब्रेक करें तो वोल्ट एम्पियर सेकंड। अब अगर मैं इसको वोल्ट एम्पियर को क्या लिख सकता हूं, मैं वॉट लिख सकता हूं, क्या, वॉट सेकंड। ठीक है, पावर का यूनिट आपको पता है वॉट होता है, तो वोल्ट एम्पियर को मैं वॉट लिख देता हूं और टाइम का सेकंड को एज इट इज रखता हूं, पर ये तो एनर्जी आया आपका वॉट सेकंड के टर्म्स में, है ना। पर आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन होता है इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हिसाब से वो आपका यूनिट्स के हिसाब से कंज्यूम होता है, मतलब कि हम जनरली बोलते हैं कितना यूनिट ऑफ एनर्जी आपका कंज्यूम हुआ, तो वो जो यूनिट का टर्म यूज हो रहा है ना उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो यहां पे मैं लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपका 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कभी भी आप ये सुनो कि 1 यूनिट या 10 यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट आवर या 10 किलोवाट आवर कंज्यूम हो रहा है, राइट। तो आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखो ये किलोवाट में है और ये आवर्स में है। अब आपको ये भी पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ये ठीक है, तो अब देखो यहां पे तो वॉट और सेकंड है, पर हमको तो जो बात करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हिसाब से वो किसमें होना चाहिए, यूनिट्स के हिसाब से होना चाहिए। तो यूनिट्स क्या है, 1 किलोवाट आवर, तो इस वॉट सेकंड को मेरे को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी कंज्यूम्ड इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट को मैं क्या करूंगा यहां पर वी आई टी, ये वी आई टी हो गया। अब वॉट के लिए इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करना है, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं, ठीक है, और टाइम को सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर देता हूं, इसको कर देता हूं डिवाइड बाय 3600। तो ये जो अब आया मेरा, ये आ गया किलोवाट आवर, राइट। तो अगर मुझे किलोवाट आवर में रीडिंग चाहिए था तो मेरा एनर्जी कैसे कंज्यूम होगा,
VIT अपॉन 1000 इंटू 3600। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि हम इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका पहले से ही किलोवाट में है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपका वोल्टेज और एम्पियर में है जो कि जनरली हो गई टाइम सेकेंड में जनरली हो गई, तब आपको इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी निकालने के लिए। ये आपका जो एनर्जी निकाल रहा है, हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं ना, तो ये एनर्जी क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। तो अभी तक हमने क्या बात किया, ट्रू वैल्यू के बारे में। तो जो बेसिक पॉइंट अभी तक हमने बात किया है वो क्या क्या है, पहला चीज एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग मतलब क्या, जो अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू को पास्ट वैल्यू के साथ ऐड कर करके हमको पूरा कुमुलेटिव रीडिंग्स देते जा रहा है, और ये मेजर करता है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट को, है ना। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, मतलब कि पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और एनर्जी में हम किसको बात करते हैं, यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखा हो कि एनर्जी कंज्यूम्ड इज 3 units, 4 units, तो आप उसको किससे रिलेट करेंगे, 1 kWh से। 3 units मतलब क्या, 3 kWh। अब अगर आपको कितना यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हुआ वो निकालना होगा, तो वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम डिवाइड बाय 1000 इंटू 3600 करेंगे। इससे आपका ये वॉट किलोवाट में हो गया, टाइम आपका आवर्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या देखा कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, दोनों का अपना अपना फील्ड प्रोड्यूस होता है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से आपका दो टॉर्क्स प्रोड्यूस होता है, और उसके हिसाब से आपका फेज डिस्प्लेसमेंट 90 होने के कारण दोनों फील्ड दोनों वाइंडिंग्स के बीच में, उसके कारण आपका बीच का मोटर रोटेट करने लग जाता है। तो डिटेलिंग आप मशीन में पढ़ेंगे, पर उसी के प्रिंसिपल में आप ये एनर्जी मीटर को वर्क करते हुए देखेंगे अभी, है ना। तो राइट, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हमको जो दिख रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपको क्या है, सप्लाई। ये दो पॉइंट है यहाँ पे, मैं सप्लाई देता हूँ। ये आपका हो गया एसी सप्लाई, ये इस दो पॉइंट्स में मैं आपका सप्लाई दे दिया, राइट। और अब देखो यहां पे आपका लोड करंट फ्लो हो रहा है IL, ये आपका लोड करंट हो गया। अब ये लोड करंट जो हो रहा है, ये लोड करंट कहां से फ्लो होते हुए आ रहा है, यहां से देखो, ये पूरा यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इस मैग्नेट में ये क्या है आपका, ये आपका सीरीज मैग्नेट है, इसको मैं बोल देता हूं सीरीज मैग्नेट। ठीक है, सीरीज मैग्नेट क्यों बोल रहा हूं उसको मैं, क्योंकि ये लोड के सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए सीरीज मैग्नेट नाम है। अब ये जो कॉइल है, ये आपका करंट कॉइल होगा। करंट कॉइल तो हम देखते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में, तो वैसे ही कुछ ये करंट कॉइल होगा आपका। ये क्या है, करंट कॉइल और सीरीज कॉइल, सीरीज कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों सीरीज कॉइल, क्योंकि इसमें करंट कॉइल में आपका लोड करंट जो है वही फ्लो हो रहा है, मतलब कि करंट कॉइल का करंट किसके इक्वल है, लोड करंट के इक्वल है। और ये क्या है, सीरीज मैग्नेट है, राइट। ये सीरीज मैग्नेट हो गया, और इसमें आपका क्या वाउंड है, आपका करंट कॉइल वाउंड है। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है लोड के, याद रहे करंट कॉइल आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड के, और सेम करंट फ्लो होता है आपका करंट कॉइल में जो कि लोड करंट में फ्लो हो रहा है, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट थिंग आपका ये क्या है, ये तो आपका बियरिंग है, ठीक है, पीवेट बोल सकते हो, बियरिंग बोल सकते हो, जो कि आपका फ्रिक्शन और वियर एंड टीयर से बचाता है आपको, राइट। ये आपका स्पिंडल हो गया, राइट। ये आपका अल्यूमिनियम डिस्क हो गया, अल्यूमिनियम डिस्क क्यों यूज किया जा रहा है, ये डिस्क आपका अल्यूमिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि अल्यूमिनियम आपका लाइट वेट होता है, और लाइट वेट होने से टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ता है, क्योंकि अल्यूमिनियम लाइट वेट है, टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ा, एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी भी बढ़ता है, राइट। और अल्यूमिनियम इसलिए आपका यूज किया जा रहा है, ठीक है, ती बात समझ में आई। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहां पे, ये आपका क्या हो गया, ब्रेकिंग मैग्नेट हो गया,
ठीक है, ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट हो गया, ये आपका डैम्पिंग टॉर्क या बोल सकते हो ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, ब्रेक प्रोवाइड करने के लिए, इस ये जो डिस्क रोटेट कर रहे हैं ना इसको ब्रेक ब्रेक प्रोवाइड करने के लिए आपका ये ब्रेकिंग मैग्नेट यूज किया जाता है, जो कि आपका परमानेंट मैग्नेट से बना होता है। ठीक है, तो ये आपका सीरीज कॉइल हो गया और या करंट कॉइल, ब्रेकिंग मैग्नेट हो गया जो आपके डिस्क को ब्रेक करेगा, ब्रेक मारेगा उसमें रोटेशन में। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, कॉपर लूप हो गया, शेडिंग लूप बोल सकता हूं मैं इसको, इसका फंक्शनिंग हम देखेंगे आगे, राइट। और ये आपका हो गया कॉपर शेडिंग कॉइल, ये आपका हो गया शेडिंग कॉइल। ठीक है, जो कि कॉपर का बना होता है, शेडिंग कॉइल जो होता है वो कॉपर का बना होता है, और ये आपका इसलिए यूज किया जाता है तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इसमें जो प्रेशर कॉइल है वो आपका 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर पाए। मतलब कि क्या, आपको मैंने बोला कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर वर्क करता है, तो सिंगल फेज इंडक्शन की तरह ही यहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका फ्लक्स के बीच 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो, पर एक्चुअल में होता नहीं है। तो उसके लिए आइडियल केस में 90 डिग्री चाहिए हमको, पर प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल करने के लिए हम शेडिंग कॉइल जो कि कॉपर रे का बना होता है उससे हम प्रोवाइड करते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, राइट, उसके हेल्प से। तो इसलिए शेडिंग कॉइल किस लिए यूज किया जाता है, आपका फेज डिस्प्लेसमेंट को 90 डिग्री करने के लिए किया जाता है, राइट। और यहां पर आपने देखा करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, अब वैसे ही ये आपका हो गया प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेशर कॉइल, ये आपका प्रेशर कॉइल हो गया और ये आपका शंट मैग्नेट हो गया। शंट मैग्नेट, ठीक है, तो प्रेशर कॉइल आपको दिख रहा होगा यहां पे, प्रेशर कॉइल ये जो है ये आपका सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो प्रेशर कॉइल हमको पता है कि हमेशा सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट होता है, या तो हमेशा अक्रॉस द सप्लाई कनेक्टेड होता है। तो ये आपका प्रेशर कॉइल हो गया, ये पैरेलल में कनेक्टेड है सप्लाई के, करंट कॉइल आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों चीज आपको याद रहे। शंट मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल में है, सीरीज मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज में है लोड के, राइट। ये चीज हो गया, अब आपका स्पिंडल हो गया, ये आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यहां पे मैंने नेमिंग कर दिया है एक एक पॉइंट का, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग समझते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी मीटर है इसमें चार टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, टोटल फोर मैकेनिज्म होंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग में मतलब कि क्या, किस चीज के कारण ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है रोटेट करेगा, मतलब कि ड्राइव होगा, ठीक है। तो वो आपका ड्राइविंग मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि आपका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है उसमें हम बात करेंगे ड्राइविंग टॉर्क की, किस टॉर्क के कारण ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको टॉर्क ड्राइविंग मैकेनिज्म में ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट के ऊपर, मतलब कि क्या, करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हो, पर एक्चुअल में आपका जो ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों की है ना। तो अब होता क्या है कि यहां पे आपका ये एल्यूमिनियम डिस्क हो गया जो कि लाइट वेट है, अब यहां पे आपका सप्लाई जो कनेक्टेड है वो पैरेलल विद दिस प्रेशर कॉइल जो है वो सप्लाई के पैरेलल में, तो अब यहां पे जो करंट फ्लो होने वाला है प्रेशर कॉइल में वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है शंट कॉइल या प्रेशर कॉइल पे वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के ऊपर, है ना। और यहां करंट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है, सीरीज लिख देता हूं इसको मैं, आईएल के लोड करंट के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे इस शंट करंट के कारण कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना, शंट करंट के कारण इस प्रेशर कॉइल में कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये आपका सपोज करो कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, है ना, कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे, और इस सीरीज मैग्नेट यस करंट कॉइल में जो लोड करंट के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है जो कि इक्वल है उसके ऊपर डिपेंड होने के कारण इस सीरीज मैग्नेट में भी कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो सपोज करो ये आपका फ्लक्स इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो एल्यूमिनियम डिस्क में, है ना। तो दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया अपना, है ना। और प्रेशर कॉइल का जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, सप्लाई के ऊपर,
जो कि फिक्स्ड रहेगा हमेशा, पर जो करंट कॉइल का करंट है वो डिपेंडेंट है लोड करंट के ऊपर। तो आप जितना लोड, मतलब कि आप जितना एनर्जी कंज्यूम करोगे उस हिसाब से यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पे ये चीज जो है ये आपका लोड के ऊपर है, तो ये मेन डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। फ्लक्स प्रोड्यूस होने से इन करंट्स के कारण, इन करंट्स के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होने से यहां पर क्या होगा, इस डिस्क के कुछ इंपीडेंस होंगी, है ना, कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें सपोज करो इस फ्लक्स के कारण फाई एस एच लिख देता हूं इसको मैं, फाई एस एच के कारण यहां पे फ्लक्स हुआ इस टाइप का। अगर आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज इसको ले लेता हूं मैं, यहां पे ऐसा कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण आपका इसमें कुछ ऐसा फ्लक्स हुआ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। और इस ईएमएफ के कारण कुछ करंट प्रोड्यूस होगा जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। तो इस फ्लक्स के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ, तो एक शंट कॉइल करंट के कारण, मतलब कि शंट फ्लक्स के कारण एक एडी करंट इंड्यूस हुआ, दूसरा सीरीज करंट के कारण दूसरा एडी करंट इंड्यूस हुआ, है ना। तो क्या होगा, अब फाई एस एच और ई एस एच लिख देता हूं, एडी करंट को आई ई एस एच लिख देता हूं, IESH, और इसको लिख देता हूं IESE, ठीक है। तो ये सीरीज कॉइल के कारण एडी करंट और ये शंट कॉइल के कारण एडी करंट। अब इन दोनों के फाई एस एच और IESH, IESE और आपका फाई एसई और IESE, इन दोनों के कारण एक दूसरे में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक टॉर्क इसके कारण प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क इन दोनों के कारण प्रोड्यूस होगा, है ना। अब ये दोनों टॉर्क एक दूसरे से अपोज करेंगे और उसके कारण आपका डिस्क इस तरीके से यहां पे रोटेट करने लग जाएगा, ये आपको कुछ इस टाइप का रोटेट करने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा, जस्ट लाइक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो आपको समझ में आया कि यहां पे हुआ क्या, कि सप्लाई आपका फिक्स्ड था, सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा आपका शंट कॉइल का करंट, जो कि देखो अब क्या होता है, प्रेशर कॉइल को ना हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में क्या करते थे, हाईली रेसिस्टिव बना देते थे। क्यों रेसिस्टिव बनाते थे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हाईली रेसिस्टिव, क्योंकि जब भी हम उसको वॉटमीटर की तरह यूज करते थे तब क्या होता था कि अगर उसमें कुछ प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस होता था तो कॉस बीटा वाला टर्म आता था, करेक्शन फैक्टर के सब के ऊपर बात किया था हमने, तो प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण वहां पे एरर आ रहा था वॉटमीटर में, है ना, ट्रू पावर हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। पर यहां पर हमको, क्योंकि यहां पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करवाना है इसको, तो यहां पे आपको पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दोनों का फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, तभी तो आपका क्या वो रिवॉल्विंग फील्ड डेवलप हो पाएगा, उसके कारण ही यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा, है ना। तो उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो वोल्टेज है एसी सप्लाई का वो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस आया, अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ ना ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं इस प्रेशर कॉइल को हाईली इंडक्टिव बनाते हैं। तो इस चीज को मैं यहां पर लिखता हूं एक एक पॉइंट को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहां पे देख सकते हैं ये एसी सप्लाई था, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, देयर आर फोर मैकेनिजम्स इन दिस एनर्जी मीटर, हम एनर्जी मीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इसके मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें चार टाइप के मैकेनिज्म हम देखेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म होगा ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म। अब ड्राइविंग मैकेनिज्म में मैंने ये बोला कि आपका प्रेशर कॉइल जो है, प्रेशर कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सप्लाई, विथ सप्लाई एंड इट इज हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव, ताकि हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट 90 हो पाए। ये जस्ट अपोजिट है एनर्जी वॉट मीटर का, ठीक है। तो वॉट मीटर में हम इसको हाईली रेसिस्टिव बनाना चाह रहे थे, एनर्जी मीटर में हम जानबूझ के इसको हाईली इंडक्टिव बना रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और जो करंट कॉइल है, ठीक है, यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, हाईली इंडक्टिव प्रेशर कॉइल फ्लक्स, कॉइल फ्लक्स डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज, डिपेंड ऑन
सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड किया, और यहां पे करंट कॉइल जो है, करंट कॉइल वो आपका सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड, कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया इसको, ठीक है। और इसका जो करंट, करंट कॉइल का जो फ्लक्स है, करंट कॉइल का फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है लोड करंट के ऊपर, आईएल के ऊपर, है ना। तो अब हाईली इंडक्टिव हो गया, प्रेशर कॉइल का फ्लक्स वी सप्लाई के ऊपर डिपेंड किया, और यहां पे करंट कॉइल का फ्लक्स आईएल के ऊपर डिपेंड किया, दोनों अपना अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किए, दोनों फ्लक्स, दोनों के अपने अपने फ्लक्स के कारण दोनों का अपना अपना क्या होगा, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उन दोनों के ईएमएफ इंड्यूस होने से दोनों का अपना अपना यहां पे एडी करंट इंड्यूस होगा। अब शंट मैग्नेट और प्रेशर कॉइल के फ्लक्स के कारण और एडी करंट के कारण यहां पे टॉर्क डेवलप होगा, है ना, टॉर्क डेवलप होगा दोनों के एक्शन से, क्यों, क्योंकि लेंज लॉ के हिसाब से ये अपोज करने की कोशिश करेगा, तो ये करंट भी अपना खुद का कुछ ऐसा फ्लक्स बनाएगा जो इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, है ना, उसी कारण। तो यहां पे इन दोनों के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और अब जो इस फ्लक्स के कारण ये एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, इसका भी एक अपना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, तो ये एडी करंट और ये फ्लक्स के कारण दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब दोनों टॉर्क के कारण आपका ये मोटर, ये जो डिस्क है, सॉरी, ये जो डिस्क है वो रिवॉल्व करने लग जाएगा, है ना। और यहां पे आपका ये एसी सप्लाई फिक्स्ड है, तो प्रेशर कॉइल का जो फ्लक्स रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, पर लोड जितना आप वेरी करते जाओगे उतना लोड करंट वेरी होगा, उतना करंट कॉइल का करंट वेरी होता जाएगा, क्योंकि करंट कॉइल का करंट किसके इक्वल है, आपके लोड के इक्वल है, और उस हिसाब से यहां पे फ्लक्स वेरी होगा, ठीक है। और वैसे ही आपका उस स्पीड से, क्योंकि यहां पे स्पीड भी डिपेंडेंट, जितना आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उतना टॉर्क डेवलप होगा, और उस स्पीड से आपका डिस्क रिवॉल्व करने लग जाएगा, जैसे जैसे डिस्क रिवॉल्व करेगा स्पिंडल घूमने लग जाएगा, स्पिंडल के घूमने से यहां पे आपका ये रिवॉल्व होते होते, सपोज करो 5 रिवॉल्यूशन ले लिया, तो 0 या 50 रिवॉल्यूशन ले लिया, तो आपका वो आपका रिवॉल्यूशन को आपका काउंट करते आएगा, रिकॉर्ड करते आएगा, ठीक है। तो उस टाइप से आपका ये ड्राइविंग टॉर्क या ड्राइविंग मैकेनिज्म वर्क करेगा, है कि क्लियर हुआ ये बात दोनों का। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि आप, आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो आपका प्रेशर कॉइल में कैसा होता है, ये आपका इस टाइप का कुछ दिखता है ना, आपका ये हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आपका का लोड हो गया, ये आपका मोटर हो गया, और ये आपका करंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सप्लाई हो गया, ये सप्लाई, ये आपका प्रेशर कॉइल हो गया, ये आपका करंट कॉइल हो गया, और ये आपका मोटर हो गया। तो यहां पे देखो जस्ट लाइक, यहां पे करंट कॉइल लोड के सीरीज में है, लोड करंट और करंट कॉइल का करंट सेम है, प्रेशर कॉइल सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये आपका एनर्जी मीटर कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, जिसके कारण इसके फ्लक्स और इसके फ्लक्स के कारण दोनों के कारण यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। और वो दोनों के कारण क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि दोनों अपना अपना एडी करंट बना रहे हैं, और उसके कारण इंटरनली वो प्रोड्यूसर है टॉर्क, राइट। तो ये चीज हमने सीखा ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में। सेकेंड चीज जो मैं बात करूंगा यहां पे, सेकेंड चीज यहां पे लिखता हूं मैं, रोटेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सेकेंड है अपना रोटेटिंग मैकेनिज्म, उसमें अपन लिख सकते हैं रोटेटिंग मैकेनिज्म में कि जो आपका रोटेटिंग मैकेनिज्म है, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, रोटेटिंग में सिर्फ एक एल्यूमिनियम का डिस्क यूज कर रहे हैं जो कि लाइट वेट होता है। लाइट वेट किस लिए, ताकि उसका टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ जाए, बस यही है रोटेटिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पे हम क्या यूज करें रोटेटिंग मैकेनिज्म में, इसमें एक ही पॉइंट लिखेंगे अपन, एल्यूमिनियम डिस्क क्यों, एल्यूमिनियम डिस्क बिकॉज इट इज, बिकॉज इट इज लाइट वेट, राइट। ये हो गया, थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, थर्ड आपका ब्रेकिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं।
तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ब्रेकिंग मैग्नेट, जो कि आपका परमानेंट मैग्नेट से बना होता है। यहां पे मैं पॉइंट लिखता हूं, ब्रेकिंग मैग्नेट इज यूज्ड एज ब्रेकिंग मैकेनिज्म फॉर दिस एल्यूमिनियम डिस्क, है ना, ब्रेकिंग मैकेनिज्म फॉर दिस एल्यूमिनियम डिस्क। तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैग्नेट इज, इसको लिख देता हूं परमानेंट मैग्नेट का बना होता है यहां पे ब्रैकेट में, परमानेंट मैग्नेट is used as breaking breaking torque is used to provide breaking torque। तो यहां पर provide करता है breaking torque को। अब देखो कैसे breaking torque provide करेगा, यहां पर देखो ये जो आपका breaking magnet है इसमें flux produce होगा। Suppose करो ये आपका black pen से दिखा रहा हूं मैं, यहां पे ये आपका फ्लक्स प्रोड्यूसर है ब्रेकिंग मैग्नेट का, है ना, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब सपोज करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कि स्पिंडल और ब्रेकिंग मैग्नेट का डिस्टेंस यहां पे डी है, ठीक है, स्पिंडल और ब्रेकिंग मैग्नेट का डिस्टेंस यहां पे डी है, और ये जो आपका ब्रेकिंग मैग्नेट है ये फाइव एम फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है सपोज करो, है ना, उसमें एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा था, फाइव एम फ्लक्स प्रोड्यूस किया ब्रेकिंग मैग्नेट, और ब्रेकिंग मैग्नेट स्पिंडल से कितना दूर पे है, डी डिस्टेंस पे दूर पे है। अब यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फिर से इस फ्लक्स के कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, एडी करंट इंड्यूस होगा। अब इस एडी करंट और इस फ्लक्स में जो अपोजिशन होगा उसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, आपके एल्यूमिनियम डिस्क को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली स्टॉप कर देगा जब भी आपको ब्रेक करना होगा। तो वही चीज के कारण यहां पे फाइव एम और इसमें आपका एडी करंट, यहां पर सपोज करो अपोजिट में कुछ प्रोड्यूस हो गया वो आपका आई एम हो गया, राइट, एडी करंट आपका डिस्क में इंड्यूस हुआ और वो आपका इन इन जो एक्चुअल टॉर्क था आपका जो घूम रहा था उसके अपोजिट में लग जाएगा और आपका डिस्क रुक जाएगा। डिस्क को रोकना है अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करके। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइव एम और आपका एडी करंट। आई एम क्या लिखा हूं, ये आपका मेन फ्लक्स हो रहा है ब्रेकिंग ब्रेकिंग मैग्नेट का, तो यहां पे मैं इसको 5B लिख देता हूं। चलो फ्लक्स प्रोवाइडेड बाय ब्रेकिंग मैग्नेट, दिस इज 5B, है ना, और ये जो एडी करंट प्रोड्यूस्ड बाय आपका एडी करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लक्स 5B इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब ये एडी करंट लेंज लॉ के हिसाब से अपना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो कि 5B को प्रोड्यूस अपोज करने की कोशिश करेगा, तो अपोज कैसे करेगा, दूसरे डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करके। अब इनके बीच टॉर्क जो होता है वो साइन अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों टॉर्क के साइन, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 5B इनटू IB और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और यहां पे एक और चीज क्या होगा, आपके एंड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा यहां पे, और डिस्टेंस डी, स्पीड आपका बाद में लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका ये चीज आपको क्या पता अच्छे से, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, और ये जो मैंने डिस्टेंस की बात की थी ना ये आपका डी हो गया। तो ये आपका ब्रेकिंग टॉर्क कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, ब्रेकिंग फ्लक्स और करंट आई बी के कारण फोर्स प्रोड्यूस हुआ और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था डी से, तो ये आपका टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब जो ये फाइव बी है ना, ये जो फाइव बी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका कुछ ई के ऊपर डिपेंड करेगा, ई बी कितना आपका इसका यहां पे, तो ये आपका, अच्छा ये आपका 5B नहीं, ये आपका IB होगा। तो देखिए ये आपका IB जो है मेन, ये IB, ये ब्रेकिंग ब्रेक क्या है, एडी करंट है, ये आपका इस फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस होने वाला एडी करंट है। अब ये एडी करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ एल्यूमिनियम में डिस्क में, जितना एल्यूमिनियम डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही एडी करंट होगा। तो मैं इसको एल्यूमिनियम डिस्क के EMF induced के ऊपर proportional करता हूं। अब ये जो EMF induced है, ये किसके ऊपर depend करेगा? ये आपका revolution और phi b के ऊपर depend करेगा। ठीक है? आपको पता है अच्छे से कि induced EMF is proportional to n d phi by dt। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि number of revolutions into phi b, है ना? तो जितना आपका disk यहाँ पर rotate कर था, उतना flux cutting होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर speed into phi b के कारण यहाँ पे EMF induced हो रहा है। तो ये 5B हो गया। तो अब मैं इसको यहां पे चेंज करूं, टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल हो रहा है, 5B square n sin alpha
इनटू डी, ये चीज के कारण। ठीक है, तो अब अगर मैं ब्रेकिंग टॉर्क, फ्लक्स, एंगल बिटवीन देम सबको कांस्टेंट कर दूं, ब्रेकिंग टॉर्क, फ्लक्स, एंगल बिटवीन देम सबको कांस्टेंट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा यहां से, आप देख सकते हैं n जो स्पीड, रिवॉल्यूशन स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यहां पे ब्रेकिंग टॉर्क, फ्लक्स, एंगल बिटवीन देम सबको कांस्टेंट कर दिया मैं, तो n इंटू डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल एंड ब्रेकिंग मैग्नेट। तो यही आपका डायरेक्टली एसएससी जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो इस डिस्टेंस को मैं कम ज्यादा कर दूं तो आपका स्पीड पे क्या फर्क होगा। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, जो आपका एसएससी जेई के प्री में डायरेक्टली आया हुआ है वो। अब मान लो कभी ऐसा होता है कि डिस्क आपका आप कंज्यूम एनर्जी कम कर रहे हो, पर आपका डिस्क तेज तेज घूमने लग गया, तेज घूमने लग जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका रिकॉर्डिंग में दिखाया कि आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि एक्चुअल जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे थे डिस्क के तेज घूमने के कारण, आपका एनर्जी कितना दिखा रहा है मीटर में, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके कारण आप बुलाओगे इलेक्ट्रिशियन को, तो इलेक्ट्रिशियन आके क्या करेगा, डिस्टेंस को अगर बढ़ा देगा, स्पिंडल और इस ब्रेकिंग मैग्नेट के डिस्टेंस को बढ़ा देगा, तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो उसके कारण आपका पहले आपका स्पीड ज्यादा था इसलिए ज्यादा एनर्जी आपका मीटर में रिकॉर्ड हो रहा था, पर आप तो कम एनर्जी यूज कर रहे थे, इसलिए डिस्टेंस को हम अगर बढ़ा देंगे तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, है ना। स्पीड स्लो होने से आपका एक्चुअल एनर्जी मेजर करने लग जाएगा। अब देखो ये सब जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये एनर्जी मीटर के कारण, एनर्जी मीटर के बारे में, ये आपका एनर्जी मीटर 10 से 15 साल पहले यूज होता था। अभी जो एनर्जी मीटर आपका यूज हो रहा है ये आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर यूज नहीं होता है, आपका भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर यूज होता है जिसमें डायरेक्टली रीडिंग्स आपके रिकॉर्ड होते जाती हैं। पर ये जो हम 10-15 साल पहले जो एनर्जी मीटर यूज करते थे उसका है, जिसमें हम एक डिस्क लेते थे, आपको याद होगा अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो डिस्क को कई बार हम क्या करते थे, उसमें वेट्स डाल के, रील डाल के या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इसको स्लो कर देते थे, और कई लोग इसी तरह एनर्जी बचा लेते थे, मतलब कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बचा लेते थे। तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसकी एनर्जी को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते थे। अभी आपने देखा कि डिस्टेंस को अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, तो वही चीज के कारण यहां पर आपका हम इस तरीके से इसमें बहुत सारे हम इसमें छेड़खानी करते थे, तो अभी वो चेंज हो गया। पर हमें अभी कोर्स में पुराने वाले एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ना है, जो कि है आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, राइट। तो जिसमें ये आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में है, अब ये सब चीज को आप भूल जाएंगे तो भी चल जाएगा, पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तीन चीजें हमने देख ली, रोटेटिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म और ड्राइविंग टॉर्क मैकेनिज्म या ड्राइविंग मैकेनिज्म। अब फोर्थ पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट आपका होगा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के लिए आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आपका रिड्यूस्ड गियर ट्रेन से बना होता है, रिड्यूस्ड गियर ट्रेन से बना होता है। वो आपका सिंपल सा क्या करता है, आपके सारे रीडिंग को कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्थ पॉइंट, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में हम लिख सकते हैं कि यह आपका रिड्यूस्ड गियर ट्रेन यूज होता है, ठीक है, जो आपका रिवॉल्यूशन को रिकॉर्ड करते आता है डिस्क के, और इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते आते हो, राइट। तो एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं, चार टाइप के ड्राइविंग मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए। ड्राइविंग मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि प्रेशर कॉइल जो सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड है उसमें जो करंट, प्रेशर कॉइल इज फर्स्टली हाईली इंडक्टिव, तो वोल्टेज इसमें सेम है, सप्लाई वोल्टेज होगा, इसका करंट जो होगा 90 डिग्री लैग करेगा, उसके कारण φSH प्रोड्यूस होगा, φSH के कारण एडी करंट प्रोड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा, EMF के कारण एडी करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये एडी करंट कुछ अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करके इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों के बीच पहला एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा φSH और IESH के कारण, ठीक है, पहला टॉर्क। सेकेंड आपका ये सीरीज मैग्नेट या करंट कॉइल जो है लोड के सीरीज में कनेक्टेड होगा,
लोड के सीरीज के करंट होने से कारण जितना लोड आप यूज करोगे उतना आपका लोड करंट होगा, उतना ही लोड करंट फ्लो होगा, उतना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण एडी करंट फ्लो होगा, और वो इस एडी करंट जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ वो लेंथ लॉ के हिसाब से आपका फाइव एस ई को अपोज करने की कोशिश करेगा, और ये जो दो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दोनों अपने में भी अपोजिंग है, तो इवेंचुअली आपका डिस्क इस तरीके से टॉर्क महसूस करेगा दोनों फ्लक्सेस के कारण फाइव एस एच और फाइव एस ई के कारण, और वो रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो दो टॉर्क थे, एक इन दोनों के कारण, एक ये इन दोनों के कारण, तो ओवरऑल जो टॉर्क हुआ वो इन दोनों के कारण हो गए, फाइव एस एच और फाइव एस ई के कारण, राइट। तो डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपको डेरिवेशन में ध्यान नहीं देना है, पर मैं आपका डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया मैं। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राइविंग मैकेनिज्म, क्लियर। नेक्स्ट हमने बात किया किसका, आपका बात किया यहां पे ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में आपका रिड्यूस गियर ट्रेन यहां पे यूज किया, रिड्यूस गियर ट्रेन हमने यूज किया रिकॉर्ड करने के लिए। रोटेटिंग मैकेनिज्म में हमने एल्यूमिनियम डिस्क का बात किया जिसमें हम लाइट वेट का यूज किया ताकि टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ जाए, राइट। फिर ब्रेकिंग मैकेनिज्म की बात की गई, ब्रेकिंग मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि ब्रेक कैसे देंगे, ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करेंगे जो कि परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, वो अपना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होने से इसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा जो एडी करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो इस फ्लक्स को अपोज करने के चक्कर में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो जो टॉर्क होगा वो मेन टॉर्क के अपोजिंग होगा, तो इस तरीके से आपका डैम्पिंग टॉर्क या ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होकर आपका डिस्क स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्क को स्टॉप कर लोगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिया कि जो ब्रेकिंग टॉर्क का जो रिलेशन निकाला उसमें हमने देखा कि जो आपका ये जो स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क था, स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल एंड ब्रेकिंग मैग्नेट। उसका एक डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में आया हुआ था जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपने रिलेशन देखा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, राइट, तो ये चीज हो गया। अब मैं अगर मेरे को टॉर्क का अगर मेरे को रिलेशनशिप निकालना हो इसमें जो ये एनर्जी मीटर जो है ये आपका कैसे जिस टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे अपने रिवॉल्यूशन से अपने स्पीड से कैसे एनर्जी को मेजर कर रहा है इस चीज को अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, देखो इस पॉइंट को यहां पे मैं क्लोज करता हूं, मैकेनिज्म आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये टॉर्क सिंपल सा लिख देता हूं मैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव एस एच फाइव एस ई साइन ऑफ एंगल बिटवीन फाइव एस एच एंड फाइव एस ई। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो टॉर्क है, दोनों टॉर्क को आप कंबाइन करोगे तो फाइनल टॉर्क जो होगा वो इन दोनों के कारण प्रोड्यूस होगा, जिसका एक अच्छा खासा लंबा सा डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसलिए डायरेक्टली देख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली लास्ट चीज देख रहे हैं कि टॉर्क जो है फाइव एस एच और फाइव एस ई और इनके बीच के एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो अब मैं देखो मैं क्या बोल रहा था, यहां पर आपका सपोज करो ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, अब ये आपका हो गया फाइव आई एस एच। ठीक है, ये आपका वी एस एच के इक्वल है शंट कॉइल के या प्रेशर कॉइल के, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज और सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही रहेगा। अब जो करंट फ्लो हो रहा था वो 90 डिग्री लैग करेगा, क्यों 90 डिग्री लैग करेगा भाई, क्योंकि हम ही खुद इंडक्टिव बनाए हैं उस चीज को, ताकि हमको पता है कि इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो आई एस एच यहां पर प्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ ये हो गया आई एस एच। अब आपका जो लोड होगा उस लोड के हिसाब से सपोज करो ये जो लोड के हिसाब से आपका पावर फैक्टर एंगल आएगा फाइव, जो कि आपके शंट कॉइल के बाद शंट वोल्टेज से फाइव एंगल लैग करेगा। तो अगर ये आपका क्या हो गया लोड करंट हो गया और ये आपका VL है, सब कुछ सेम है, देखो यहां पे कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ ना, तो VSH VSH VS और VL ये VL तीनों क्या है सेम है, ये तीनों सेम है, राइट। तो यहां पे आपका IL लोड के हिसाब से फाइव एंगल लैग किया। अब IL के कारण आपका करंट कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो इक्वल था और उसके कारण आपका क्या प्रोड्यूस हुआ फाइव एस ई प्रोड्यूस हो गया, तो मैंने फाइव एस ई यहां पे बना दिया जो कि इन फेज है करंट के आई एल और आई सी सी के, क्लियर। अब देखो ये चीज हो गया यहां पे, तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं आइडियल केस है, ये एकदम आइडियल सिनेरियो है जब आपका यहां पे आपका आइडियल सिनेरियो मतलब कि कब, जब आपका यहां पे
90 डिग्री लैग कर रहा है VSH से ISH, है ना, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, एंगल बिटवीन phi SH एंड phi SE, ISH के फेज में ही रहेगा ये ISH, ISH के फेज में ही रहेगा phi SH, तो ये एंगल कितना हो रहा है भाई, 90 माइनस फाइव हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो टॉर्क कितना आया, टॉर्क आया आपका, टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हो phi SH किसके ऊपर डिपेंडेंट था, phi SH आप देख सकते हो शंट कॉइल का, शंट कॉइल का फ्लक्स, शंट कॉइल का फ्लक्स आपका डिपेंडेंट है वोल्टेज के ऊपर, आपको पता है वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, और सीरीज कॉइल का फ्लक्स वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, IL के ऊपर, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब कि क्या, 90 माइनस फाइव, तो किसके इक्वल हो गया, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया VL IL cos phi के। तो इस तरीके से ये आपका पावर मेजर किया, पावर मेजर करने के बाद इसको आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में रखोगे, मतलब कि टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे, कितने ये पावर मेजर कितने टाइम में किया, तो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एनर्जी रिकॉर्ड होते जाएगा, है ना। पर एक और चीज अभी देखो, यहां पे आपको क्या था, ये आइडियल सिनेरियो था, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आइडियल सिनेरियो, आइडियल, आइडियल केस, पर एक्चुअल में तो भाई आपका ISH जो है वो 90 डिग्री नहीं करने वाला है लैग, है ना, कुछ ना कुछ तो यहां पे आपका सपोज करो ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब कि एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं किया आपका ISH डैश, मैं लिखता हूं यहां पे ISH डैश, यहां पे मतलब कि क्या, ये आपका हो गया phi SH डैश, ठीक है, प्रैक्टिकल। अब यहां पे आप देख सकते हो ये जो एंगल है, ये इसको मैं ले लेता हूं डेल्टा, मतलब कि VS सप्लाई से आपका ISH डैश डेल्टा एंगल लैग कर रहा है, डेल्टा एंगल लैग कर रहा है, तो अब क्या हो गया भाई, टॉर्क हो गया आपका इन प्रैक्टिकल केस अभी भी VL IL, अगर ये डेल्टा है, इतना पूरा एंगल डेल्टा है, ये एंगल फाइव है, तो ये क्या हो गया, इतना एंगल डेल्टा माइनस फाइव होगा कि नहीं, ये आपका डेल्टा माइनस फाइव हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ डेल्टा माइनस फाइव, ये तो ये आपका प्रैक्टिकल केस है, प्रैक्टिकल केस जब एग्जैक्टली हम 90 डिग्री नहीं पा पाते, तो यहां पे क्या हुआ, 90 डिग्री नहीं, मतलब कि हाईली इंडक्टिव तो था पर एग्जैक्टली एकदम प्योरली इंडक्टिव नहीं हुआ, उसके कारण हमको एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे 90 माइनस फाइव नहीं, 90 माइनस फाइव होता तो कॉस फाइव आ जाता, तो डायरेक्टली पावर को मेजर कर लेते, ट्रू पावर को, पर यहां पे हम मेजर्ड पावर को मेजर कर रहे हैं, जैसे कि डेल्टा माइनस फाइव हो रहा है, तो इसका मैंने फेजर डायग्राम से आपको बनाकर दिखा दिया, राइट। तो अब टॉर्क इज VL IL साइन डेल्टा माइनस फाइव, ये आपका क्या हो गया, इस चीज को आप देख सकते हो, ये आपका ले सकते हो आप मेजर्ड पावर, ये आप मेजर्ड पावर को ले सकते हो, और ये आपका ट्रू पावर, ये आपका ट्रू पावर, ठीक है। तो अगर मुझे एरर के बारे में बात करनी है, एरर अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो आपको ये फेजर डायग्राम समझ में आया, सप्लाई वोल्टेज, शंट वोल्टेज और लोड वोल्टेज तीनों सेम है, जिससे आइडियल केस में आपका शंट करंट हाईली इंडक्टिव होने के कारण या फिर एग्जैक्टली इंडक्टिव होने के कारण 90 डिग्री लैग किया, उसके उनके उसके फेज में ही शंट फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब लोड के कारण आपका 5 डिग्री IL लैग किया, जो कि इक्वल था करंट कॉइल के कारण इक्वल, और उसी के कारण आपका phi SE प्रोड्यूस होगा। अब ये हो गया 5 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो एक्चुअल में आपका 90 माइनस 5 होना था, और कितना था VL IL cos phi आता, ट्रू पावर मेजर कर लेता, पर प्रैक्टिकली क्या हुआ कि आपका 90 डिग्री नहीं मिल पाया आपको, आपका ISH जो था वो आपका डेल्टा डिग्री लैग किया। तो यहां पे जो डेल्टा है ना, कि डेल्टा इज द एंगल बिटवीन VSH एंड VSH एंड phi SH, तो यहां पे डेल्टा इज द एंगल बिटवीन VSH एंड phi SH, और अब यहां पे एंगल बिटवीन phi SH एंड phi SE कितना हो गया, देखो डेल्टा माइनस phi, तो हमारा एक्चुअल मेजर्ड पावर जो आ रहा था डेल्टा माइनस phi आ गया, तो अब मेरे पास ट्रू पावर है, मेजर्ड पावर है, तो मैं एरर बता सकता हूं आराम से, तो एरर कितना होगा, और एरर परसेंटेज के ऊपर बात कर सकता हूं मैं, तो आपने देखा एरर कितना होने वाला है, यहां पे एरर परसेंटेज लिखता हूं,
एरर परसेंटेज इज गोइंग टू बी VL I measured power VL IL sin delta minus phi minus VL IL cos phi upon VL IL cos phi true power into 100. तो ये VL IL VL IL ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो परसेंटेज एरर जो आएगा, एरर परसेंटेज इज गोइंग टू बी sin delta minus phi माइनस कॉस फाइव अपॉन कॉस फाइव इंटू 100. इसको आप 90 माइनस फाइव भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस फाइव भी लिख सकते हो, राइट? तो भी सेम ही चीज आएगा. तो ये आपका हो गया भाई एरर, एरर परसेंटेज, राइट? तो एरर किस कारण आया था? क्योंकि यहां पे आपका प्रेशर कॉइल एकदम प्योरली इंडक्टिव नहीं हो पाया, इसके कारण. ठीक है, तो इसके कारण आपका एरर आ गया, ये आपका एरर हो गया. हमने चारों मैकेनिज्म बात कर लिए, राइट? चारों मैकेनिज्म भी मैंने बात कर लिया. एक और चीज आप यहां पे देखो कि आपका जो स्पीड हो रहा है, यहां पे स्पीड लिखता हूं मैं, स्पीड, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड. ये पॉइंट मैंने बोला था आपको, ठीक है? जितना लोड होगा, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, उतना आईसीसी होगा, उसके कारण फ्लक्स होगा, और उसी स्पीड से ये एल्यूमिनियम डिस्क प्रोड्यूस होने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा. तो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना? एनर्जी कंज्यूम्ड. तो अगर मैं यहां पर एक मीटर कॉन्स्टेंट करूं, मीटर कॉन्स्टेंट ले लेता हूं, के इज इक्वल टू मीटर कॉन्स्टेंट, के इज मीटर कॉन्स्टेंट, तो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ रहा है? स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन कम आउट टू बी के इंटू, दैट इज मीटर कॉन्स्टेंट, लेट के इज इक्वल टू, यहां पे लेट लिखता हूं, के इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड. ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आया? यहां पे अगर आपको एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, अपॉन के. तो ये आपका हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड, जो कि इक्वल है स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मीटर कॉन्स्टेंट, राइट? तो ये आपका जो एनर्जी कंज्यूम्ड आ रहा है, ये आपका क्या होगा? मेजर्ड एनर्जी होगा. तो कभी भी ना हम एनर्जी मीटर में, जैसे कभी कोई न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं एनर्जी कंज्यूम कितना होगा एनर्जी मीटर में, मतलब कि एनर्जी कितना मेजर कर रहा होगा एनर्जी मीटर, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में मीटर कांस्टेंट हमें गिवन होता है, राइट? मीटर कांस्टेंट हमें गिवन होता है और हमें बता दिया जाता है कि इतना रिवॉल्यूशन किया वो इतने आवर में. ठीक है, मान लो हमको निकालना होता है स्पीड ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन आवर, एक रिवॉल्यूशन में कितना, एक आवर में कितना रिवॉल्यूशन किया डिवाइडेड बाय मीटर कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उस घंटे में, राइट? तो ये आपका मेजर्ड एनर्जी हो गया, ये आपका मेजर्ड एनर्जी हो गया. ट्रू एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको लिख दिया था पहले ही स्टार्टिंग में, V into I into T upon 3600 into 1000, है ना? दोनों डिनोमिनेटर में आ गया था. तो ये आपका मेजर्ड एनर्जी लिख देता हूं मैं, EM मेजर्ड एनर्जी, और आपका ET ये आपका हो गया था VIT, ये थ्योरेटिकली हम निकालते हैं 1000 into 3600 किलोवाट आवर. ठीक है, ये ट्रू एनर्जी हो गया. स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन लिख सकते हो या रिवॉल्यूशन इन वन आवर लिख सकते हो, रिवॉल्यूशन इन वन आवर. ठीक है, ये रिवॉल्यूशन इन वन आवर भी निकाल सकते हो. तो उसको डिवाइड करोगे मीटर कॉन्स्टेंट से, तो आपको एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि एनर्जी मीटर कितना मेजर कर रहा है एनर्जी को, वो निकल जाएगा आपके साथ. अब एक और चीज देखो कि यहाँ पे मीटर कॉन्स्टेंट का ना, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यूनिट क्या होता है मीटर कॉन्स्टेंट का, तो आपको पता होना चाहिए कि K क्या है. K इज इक्वल टू मीटर कॉन्स्टेंट एंड इट इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी ये आपका है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड.
ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम किस में रहेगा, किलो वॉट आवर में रहेगा, और आपका रिवॉल्यूशन आपका इसमें है। तो के का यूनिट क्या हो गया, के का यूनिट हो गया रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर, के यूनिट। ठीक है, तो आपका ये हो गया यूनिट, ये आपका यूनिट हो गया। तो कई बार आपको क्या दिया रहेगा, आपके पास एनर्जी गिवन होगा, एनर्जी गिवन होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन होगा, तो आपको मीटर कांस्टेंट निकालने बोला जा सकता है, उसका न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। कई बार आपसे पूछा गया है ये मीटर कांस्टेंट कितना कैसे निकालेंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को डिवाइड कर दो एनर्जी कंज्यूम से, मीटर कांस्टेंट निकल जाएगा, और उसकी यूनिट होती है रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर। दूसरा चीज ये कि आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन लिखो या रिवॉल्यूशन इन वन आवर लिखो या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखो, तीनों एक ही चीज है, डिवाइडेड बाई मीटर कॉन्स्टेंट से आपको मेजर्ड एनर्जी मिल जाएगा। ट्रू एनर्जी ये है, राइट, एरर इन एनर्जी मीटर, दिस इज एनर्जी मीटर में ये एरर है। ये एरर किसके कारण आ रहा है, ये एरर आ रहा है क्योंकि आपका प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होना चाहिए था, जो कि आपका 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता, पर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आपका कितना प्रोवाइड कर रहा है, वो डेल्टा डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, फेज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए डेल्टा माइनस 5 हो गया। नेक्स्ट थिंग, अगर हमको फेस डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री चाहिए तो हम क्या करते हैं, शेडिंग रिंग यूज करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं शेडिंग रिंग के बारे में, वी यूज शेडिंग रिंग। शेडिंग रिंग क्यों यूज करते हैं, शेडिंग रिंग टू मेक डेल्टा 90 डिग्री, मेक डेल्टा 90 डिग्री एंड टू रिड्यूस एरर बाय इंक्रीजिंग फेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी मीटर। फेस डिस्प्लेसमेंट या पावर फैक्टर ऑफ एनर्जी मीटर आप लिख सकते हो, राइट। तो शेडिंग रिंग हम डेल्टा को बस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं 90 डिग्री के पास ले जाने के, तो इसलिए हम शेडिंग रिंग यूज करते हैं। तो राइट, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया एनर्जी मीटर का। अब दो तीन पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि एरर्स क्या क्या होते हैं एनर्जी मीटर में, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे क्रीपिंग एरर, राइट। तो यहां पर मैं एरर्स इन एनर्जी मीटर के बारे में बात करता हूँ। आई होप आपने एक पॉइंट को नोट कर लिया होगा, राइट। तो हमने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बेसिक पॉइंट डिस्कस किया एनर्जी मीटर का, कि एनर्जी मीटर क्या है। उसके बाद मैं गया कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने नेमिंग किया, ठीक है, एक एक चीज आपको बताया कि क्या क्या चीज है कंस्ट्रक्शन में, कौन कौन सा चीज क्या है, राइट। उसके बाद फिर मैं मैकेनिज्म में गया कि वर्क कैसे करता है एनर्जी मीटर, सारे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया, चार मैकेनिज्म को, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, जिसका डेरिवेशन हमने नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टॉर्क का डेरिवेशन करने के बजाय हमने डायरेक्टली रिजल्ट पे गए, हम टॉर्क का रिजल्ट डिराइव किए। उसके बाद एरर देखे, एरर के बाद हम मीटर कॉन्स्टेंट के ऊपर बात किए, राइट, शेडिंग रिंग के ऊपर बात किए। अब हम बात करने वाले हैं एरर्स इन एनर्जी मीटर के ऊपर, राइट। तो ये आपका होगा एरर्स इन एनर्जी मीटर। एरर्स इन एनर्जी मीटर, अब देखिए एरर्स क्या क्या होते हैं आपके। फर्स्ट, क्रीपिंग एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरर है, यही क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग क्या होता है पता है, कि जब आपका एल्यूमिनियम डिस्क जो था वो मान लो कि लोड कनेक्ट मत करो, उसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम ही मत करो, नो लोड कंडीशन में भी अगर मान लो धीरे 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 आपका डिस्क घूमने लग जाए, एकदम स्लो 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 क्रीप करने लग जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा घूम रहा है बिना लोड के, तो उसके कारण क्या होगा, आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट तो रिकॉर्ड करते आएगा क्योंकि वो तो आपको यही देख रहा है ना कि एल्यूमिनियम डिस्क कितना रिवॉल्यूशंस लिया। तो धीरे धीरे करके भले ही सही अगर एक दो रिवॉल्यूशन ले लिया तो आपका क्या होगा, वो मीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे जितना यूनिट कंज्यूम हुआ। तो वही जो एरर आ रहा है, मतलब कि क्या, इन नो लोड कंडीशन द स्लो रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, इन नो लोड कंडीशन द स्लो रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, और इन लाइटली लोडेड कंडीशन, मान लो कि अगर आप लाइटली भी लोड को लाइटली लोड रखे हो, एकदम कम लोड रखे हो, उसमें आपका डिस्क थोड़ा सा तेज घूमने लग जाए, ज्यादा घूमने लग जाए,
वो भी क्या है, क्रिपिंग एरर है। तो लाइटली लोडेड कंडीशन या नो लोड कंडीशन में जब आपका डिस्क घूमता है तब हमको क्या मिलता है, क्रीपिंग एरर देखने को मिलता है। जब हम लोड कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो वहां पे रीडिंग आपका अपने आप बढ़ने लग जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम डिस्क आपका घूम रहा था, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं इन नो लोड कंडीशन स्लो रोटेशन ऑफ डिस्क इन नो लोड कंडीशन। और लाइटली लोडेड कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा तेज घूमने लग जाता है, जितना घूमना चाहिए था तेज उससे थोड़ा सा और ज्यादा घूमने लग जाता है, तो वो भी क्रीपिंग एरर के कारण होता है। पर मेन आपका क्या होता है, स्लो रोटेशन ऑफ डिस्क इन नो लोड कंडीशन, राइट, ये आपका क्रीपिंग एरर हो गया, एकदम स्लो स्लो घूम रहा है। अब इसका एक और चीज समझते हैं कि ये क्रीपिंग एरर होता क्या है, कॉज इसको लिखता हूं यहां पे, कॉज ऑफ क्रीपिंग एरर किसके कारण हो रहा है। चार पांच चीजें हैं इसके कारण का, पर हमको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट है इसका किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू ओवर कंपनसेशन ऑफ, ड्यू टू ओवर कंपनसेशन, ज्यादा ही कंपनसेट कर दोगे जब, ड्यू टू ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू ओवर कंपनसेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दो, ओवर कंपनसेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमको क्रीपिंग एरर देखने को मिलता है, राइट, ये मेन पॉइंट है। कभी भी आपको दिखे क्रीपिंग एरर किसके कारण होता है, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन लिख देना, राइट, ऑप्शन वही चूज करोगे, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन। और क्या क्या चीजें कारण हो सकता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन अगर आपको दी एनर्जी मिले उसके कारण थोड़ा सा घूम गया, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया, राइट। और क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर के कारण शायद घूम सकता है, और अगर आप ओवर वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए एसी सप्लाई में तो उसके कारण भी हो सकता है। तो मेन आपका ये है ड्यू टू ओवर कंपनसेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आप इसके कारण आपका क्रीपिंग एरर होता है। क्रीपिंग एरर क्या है, स्लो स्लो रोटेट कर रहा है आपका डिस्क इन नो लोड कंडीशन में। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो रेमेडी क्या है भाई, इसका सोल्यूशन क्या है, रेमेडी आपका लिख सकते हो इसमें रेमेडी, फर्स्ट रेमेडी अगर मैं बात करूं यहां पे, फर्स्ट रेमेडी तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क में दो अपोजिट साइड्स में होल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो होल्स क्रिएट करने से क्या होगा पता है, होल्स क्रिएट करने से इन दोनों होल्स में टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो आपका नो लोड कंडीशन में आपको डिस्क को जो रोटेट हो रहा था एकदम स्लो 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 उसको नहीं होने देगा। तो आप क्या कर सकते हो, मेक होल्स इन द एल्यूमिनियम डिस्क, मेक टू होल्स, टू अपोजिट होल्स इन द एल्यूमिनियम डिस्क, फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन, होल्स नहीं बनाना है तो आप स्लॉट्स बना दो, स्लॉट्स बना दो इस टाइप का कुछ, स्लॉट्स बना दो, ये आपका एल्यूमिनियम डिस्क हो गया और यहां पे आप स्लॉट्स बना दो कुछ, राइट, ये आपका स्लॉट्स बन गया। तो या तो आप होल्स बना दो, मेक होल्स इन एल्यूमिनियम डिस्क, या तो मेक स्लॉट्स। डायग्राम आप बनाएंगे ताकि आपको रिविजन करते टाइम आपको डायरेक्टली याद रहे, डायग्राम आपको जल्दी याद होता है, राइट, इसलिए डायग्राम को हमेशा रिविजन का पार्ट रखें। मेक स्लॉट्स, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि एल्यूमिनियम डिस्क में ना आप एक आयरन पीस रख सकते हो, एल्यूमिनियम डिस्क में एकदम छोटा सा आयरन पीस रख दो, तो उसे होगा क्या कि एल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर आपने देखा फिगर में बेकिंग मैग्नेट होता है, तो आयरन जब रहेगा ना तो एल्यूमिनियम डिस्क अगर धीरे धीरे रोटेट कर रहा है नो लोड कंडीशन में भी, तो रोटेट करने के टाइम जब आयरन उसके ब्रेकिंग मैग्नेट के पास आएगा तो ब्रेकिंग मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट करने के चक्कर में डिस्क को रोक देगा, राइट। तो इसलिए आपका हम आयरन छोटा सा एकदम आयरन पीस रख देते हैं ताकि वो नो लोड कंडीशन में आपके क्रीपिंग एरर को हटा दे। तो ये तीन तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, दिस इज द क्रीपिंग एरर, राइट। ये चीज हो गया, तो क्या क्या सीखा हमने, क्रीपिंग एरर क्या है, स्लो रोटेशन ऑफ डिस्क इन नो लोड कंडीशन, इसके कारण एरर आता है, रीडिंग ज्यादा जाती है। अब आप देखो मैंने आपको क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ रोटेशन होंगे या स्पीड ऑफ रोटेशन होंगे वही आपका किसको दिखाएगा, एनर्जी को दिखाएगा। इसका मतलब ये कि सपोज करो मेजर्ड स्पीड ये है, मेजर्ड स्पीड ये और ये ट्रू स्पीड है, ठीक है। तो एरर क्या होगा, एरर परसेंटेज होगा एन एम
माइनस एन टी बाई एन टी इंटू 100, ठीक है। अब अगर एरर पॉजिटिव आ गया, एरर पॉजिटिव मतलब कि क्या, आपका एनर्जी मीटर जो है ये आपका मेजर्ड स्पीड है, किसका, एल्यूमिनियम डिस्क का, अगर ये ज्यादा हुआ ट्रू स्पीड से, आप कैसे स्पीड निकालोगे, आप मीटर कांस्टेंट और एनर्जी कंज्यूम्ड आप अगर पता चल गया तो आप थ्योरेटिकली ट्रू स्पीड निकाल सकते हो, है ना, ट्रू स्पीड निकाल सकते हो। पर आपने मीटर से देखा कि आपका मीटर का स्पीड अलग आ रहा है, मेजर्ड स्पीड अलग आ रहा है, तो उस केस में आप क्या देख सकते हो, अगर एरर आपका पॉजिटिव हुआ, मेजर्ड स्पीड और ट्रू स्पीड के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव हुआ, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो डिस्क है वो फास्ट रोटेट कर रहा है, है ना, जितना आपका करना चाहिए था उससे फास्ट रोटेट कर रहा है पॉजिटिव आया तो। अगर आपका एरर नेगेटिव आया तो आपको पता है कि ट्रू स्पीड इतना होना चाहिए, ट्रू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इतने होने चाहिए थे डिस्क के, एनर्जी इतनी दी, मैंने दी और इसमें आपका इतना रिवॉल्यूशन होना चाहिए था, पर अगर मान लो उससे कम रिवॉल्यूशन हुआ तो एरर नेगेटिव आ जाएगा, तो उसमें आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपका डिस्क स्लो रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका एरर होगा। यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव में स्लो हो गया आपका और ये हो गया फास्ट, ठीक है। और इसी तरह का अगर मैं देखूं क्रीपिंग एरर परसेंटेज, क्योंकि हम रिवॉल्यूशन के टर्म्स में अगर एरर निकाल ही रहे हैं तो क्यों ना क्रीपिंग एरर परसेंटेज निकाल लें, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ड्यू टू क्रीपिंग इन वन आवर अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन आवर इन 200। ये आपको क्रीपिंग एरर हो गया, क्रीपिंग करते समय कितना रिवॉल्यूशन लिया वो स्लो स्लो एक घंटे में, और एक्चुअल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आने चाहिए थे, डिवाइड बाय वो करोगे तो डिवाइड ये डिवाइड करोगे इन 200 करोगे तो आपके पास क्रीपिंग एरर परसेंटेज आ जाएगा। खैर इसमें आपका डायरेक्टली फॉर्मूला दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है, SSC JEE में अभी तक इसके बेस्ड फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, पर हाँ आपसे क्रीपिंग एरर का ये जरूर पूछा था कि क्रीपिंग एरर का रेमेडी क्या है, ये डायरेक्टली देखा गया है, और ये इसका कॉज क्या है, और ये क्रीपिंग एरर होता क्या है, ये डायरेक्टली पूछा गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरर था इन एनर्जी मीटर। सेकेंड पॉइंट होगा इसका ओवर वोल्टेज और ओवरलोड कंडीशन के केस में जो एरर आता है, सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो होगा आपका ओवर वोल्टेज और ओवरलोड के केस में जो एरर आएगा वो हम उसके लिए क्या करते हैं, सैचुरेबल सीरीज मैग्नेट या सैचुरेबल शंट मैग्नेट रख देते हैं, राइट, ताकि ओवर फ्लक्स आपका उसमें से पास कर जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड पॉइंट ओवर वोल्टेज और ओवरलोड के कारण जो एरर आ रहा है, ओवर वोल्टेज और ओवरलोड कंडीशन के कारण जो एरर आ रहा है उसको लिए क्या करते हैं, टू रिमूव वी यूज सैचुरेबल सीरीज एंड शंट मैग्नेट, सैचुरेबल सीरीज एंड शंट मैग्नेट which bypass the overflux। मतलब कि क्या, आपको पता है कि सीरीज और शंट मैग्नेट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्राइविंग टॉर्क के लिए, है ना, सीरीज और शंट मैग्नेट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्राइविंग टॉर्क के लिए। तो आपने देखा था कि यहां पे ये आपका क्या था, शंट मैग्नेट था और ये आपका सीरीज मैग्नेट था। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सैचुरेबल शंट मैग्नेट लगा देता हूं और यहां पे सैचुरेबल सीरीज मैग्नेट लगा देता हूं, तो जो ओवरफ्लक्स हो रहा है उसको ये ऐसे करके अपने थ्रू ही पास कर लेता है, डिस्क में नहीं जाने देता है, डिस्क में नहीं जाने के कारण वहां पे उसके कारण एरर नहीं आता। तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेबल शंट मैग्नेट और ये हो गया सैचुरेबल सीरीज मैग्नेट।
ठीक है, तो ये अपने से पास कर लिया, ये अपने से पास कर लिया, ओवरफ्लक्स या जो ओवर वोल्टेज करंट जो एरर आने वाला था उसको क्या किया, अपने अपने थ्रू ही पास कर लिया, ये भी अपने थ्रू ही पास कर लिया, डिस्क में फ्लक्स गया ही नहीं, तो डिस्क आपका ट्रू वैल्यू को ही बस दे रहा है, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू के जो आना चाहिए था उतना ही दे रहा है, राइट, इनके कारण एरर नहीं आया। ओवर वोल्टेज एंड ओवरलोड कंडीशन के कारण वी यूज सैचुरेबल सीरीज एंड शंट मैग्नेट व्हिच बायपास द ओवरफ्लक्स, देखो बायपास कर रहा है, राइट, तो ये हो गया थर्ड एरर, जो लास्ट एरर होगा हमने हमारा वो आप ले सकते हो, ओवर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और लाइट लोड के लिए, लाइट लोड एंड फ्रिक्शन एरर, ठीक है, तो लाइट लोड और फ्रिक्शन के कारण जो एरर आ रहा है एकदम लाइटली भी जब रहे, तो मैंने आपको बोला ना कि क्या अगर आपका लाइट लोडेड कंडीशन में हो और आपका स्पीड ज्यादा रोटेट करने लग जाए, तो स्पीड ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका ज्यादा दिखाने लग जाएगा, ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, उस केस में आप क्या करोगे, लाइट लोड कंडीशन में आप लेते हो आप कॉपर लूप या फिर क्या बोलते हो शेडिंग लूप लेते हो। आपको याद होगा कि मैंने एक फिगर में बनाया था स्पिंडल के अक्रॉस एक शेडिंग लूप कनेक्ट किया था, एक तो शेडिंग रिंग होता है, शेडिंग रिंग आपका किस लिए होता है, डेल्टा को 90 डिग्री बनाने के लिए हेल्प करता है शेडिंग रिंग, पर जो शेडिंग लूप होता है ना वो लाइट लोड या फ्रिक्शन एरर से बचाने के लिए यूज होता है। तो वी यूज शेडिंग लूप जो कि कॉपर का बना होता है, राइट, स्पिंडल के ऊपर वाउंड होता है, वो आपका लाइट लोडेड कंडीशन में या चाहे जो फ्रिक्शन के कारण जो एरर आ रहा है, दोनों अलग अलग एरर है, दोनों एरर से एरर को कम करने के लिए हम शेडिंग लूप यूज करते हैं जो कि स्पिंडल के अक्रॉस वाउंड होता है, कॉपर का बना होता है, राइट, तो ये आपका लाइट लोड और फ्रिक्शन के कारण एरर को रिमूव करता है। तो तीनों एरर को हमने डिस्कस कर लिया, राइट, ये तीन तरीके के एरर थे, पूरा एनर्जी मीटर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, एक एक पॉइंट को आप पूरा लेक्चर को आप अच्छे से देखे होंगे तो नोट्स मेंटेन करते हुए आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है फैंटम लोडिंग एनर्जी मीटर में, वो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ करके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए न्यूमेरिकल्स करते समय जो एसएससी जेई में दो क्वेश्चन हैं फैंटम लोडिंग के ऊपर बेस्ड, वो मैं उनके साथ बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।